आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। इधर देखो तो चलो राइट। अरे नहीं छोड़ते पड़े भाई, अरे हट जाओ, अरे तो अंदर आ जाओ, अंदर मैं बच्चे का वालिद साहब, तेलंगाना हुकूमत और होम मिनिस्ट्री और सीएम से डिमांड करते हैं हम सब कि इसको फांसी की सज़ा होना, जस्टिस होना मेरे बच्चे के साथ में। मासूम बच्चे का कत्ल करा उन्हें, समाज के लिए धब्बा है। आज अगर उसको कल कभी बाहर भी छोड़े तो किसी और के लिए ख़तरा है उन्हें, उसको फांसी होना और जल्द से जल्द होना, ये डिमांड करते हम तेलंगाना हुकूमत से। रैली निकाली आप, उसकी रैली कहाँ से कहाँ तक निकाले, कितने दिन आपने पब्लिक आई? अलाउद्दीन कोठी से बस स्टॉप तक रैली निकाले हम, तमाम जिसको भी जिसके भी दिलों में दर्द था, अफसोस था, सारे हमारे भया बहना बच्चे, मासूम बच्चे तक आए। अब्दुल करीम लाला बात कर रहा हूँ। हमारे अलाउद्दीन कोठी में एक मासूम बच्चे का कत्ल हुआ और वो भानामती के थ्रू कत्ल हुआ। वो कत्ल इस तरीके से हुआ हमारे पास, वो भानामती के तौर में हुआ सो है, और उसको फांसी दिलाने के लिए हम और तमाम लोगों से ये और हुकूमत से इंतजार कर रहे। खुसूसन हम हमारे KTR साहब से और हमारे CM साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, ये तमाम लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे, ये हमारा जो दर्द है साहब, ये दर्द को समझो आप। ये हुकूमत हमारे लिए क्या सपोर्ट करती है साहब, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करो साहब, हमारे को इंसाफ दिलाओ। आज ये हुआ कल और कुछ नहीं हुआ, जैसा कोशिश करो साहब। हमारे को बहुत तकलीफ साहब। आज हम अलाउद्दीन कोठी से बस स्टॉप तक हमारा जज्बात जाहिर करने के लिए मोमबत्ती का रैली निकाल के बस स्टैंड पे कैंडल रैली निकाल के हम लोग बस स्टैंड पे आए। इसलिए साहब आप लोगों से इंतजा है, तमाम हुकूमत के लोगों से इंतजा है कि साहब हमारा इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, फांसी दिलाओ, फांसी दिलाओ साहब। सब ये आप यहाँ पर आज हुआ, हम हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं, बच्चों के आवाम के आवाम से भी यही मुतालबा करेंगे, अपने अपने बच्चों की हिफाजत करो। और लोग आजकल में ऐसा घूम रहे, बहुत गलत हो रहा, जो भी हो रहा बहुत गलत हो रहा। तमाम लोगों से भी ये गुजारिश है, बच्चों के माँ बाप को भी सभी गुजारिश है कि हमारे बच्चों की हिफाजत करो, हमारे बच्चों की हिफाजत करो भाई। बहुत तकलीफ में हम लोग, अब लोग हमारे ऊपर जो बच्चे पे जो गुजरी है, हम लोग बोल नहीं सकते, आंसुआ खून के आंसू रो सकते हम लोग, ये हालत हो गई हमारी। ईरान के बारे में
आने वाले दौर में हम किसी बच्चे के साथ ना हो जो उनके वालद साहब उनके वालदा के ऊपर जो हम जो मेल इंस्टीट चल रहा पहले बलि का बलि से वासी करना वो और आप जान सकते हैं किसको हिजरा को कैसा भी फांसी तक ले जाना अपना मकसद है। आगे चल के कौन सी भी बच्चे को बस्ती में कुछ भी नहीं होने का है। पुलिस वाले जिम्मेदारी लेने का है। हम आपको सोची समझी साजी से ये बालनगर डीसीपी और हैदराबाद पुलिस स्टेशन से मिलाकर गुजारिश है कि आज ये जो अलाउद्दीन कोटी में जो भी है ये जो मसला हुआ अब आगे चल के किसके बच्चे के साथ नहीं होने का है और हम आपको ये इस मसले में जस्टिस चाहिए और पुलिस स्टेशन वालों से ये हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से हम आपको ये गुजारिश है आप इंसाफ करिए सर कैसा भी ये और रिपीट नहीं होने सर का आप हम आपको दिलासा दीजिए और ऐसे इसको जस्टिस करिए हमारे को हमारा बच्चा चला गया हमारे को सॉरी और कोई बच्चों के साथ हमारे को ऐसा नहीं होने का है और सर बस्ती में अब बस्ती में जो भी है और एक बच्चे के साथ ये होम मिनिस्टर महमूद होम मिनिस्टर से अपील है कि अब आगे चल के कोई भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने का है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोटी के पूरा लेडीज जेंट्स पूरे मिलके अब पूरे सनत नगर एसआर डिवीजन पूरा घूमे आज पूरा रैली निकाले हैं प्लीज आप देखिए पूरा कोटी पूरा आवाम पूरा चले गए। अरे यहाँ के एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कल को किसी और बच्चे के साथ होगा ये सोची समझी साजिश है हमारे साथ में हमारे बच्चे डरे हुए हैं हमारे बच्चों के साथ आगे ये सब नहीं होगा इस बात की गारंटी कौन लेगा। आज हम खामोश बैठ जाएंगे कल को दूसरे बच्चे के साथ होगा तो इस बात की गारंटी कौन लेगा। आज हमको सुकून से बिठाना है तसल्ली देना है तो हमको आके ये यकीन दिलाओ कि मुस्लिम को सज़ा मिलेगी बराबर मिलेगी और दी जाएगी और कल को हमारे बच्चे सेफ है कल को हमारे बच्चे से पुलिस कुत्ते की वजह से पूरे उसमें पूरे इकट्ठा होके उसके लिए इतना बड़ा सब कुछ करे। आज एक इंसान का बच्चा इतनी बुरी तरीके से हम लोगों के बीच से चला गया तो मारा गया उसको हम कितनी तकलीफ है हम तो बयान भी नहीं कर सकते उन माँ बाप के दिल में क्या गुजर रही होगी आप लोग सोच नहीं सकते। इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि आज आपके बच्चे सेफ नजर आ रहे आपका बच्चा जाए जब आपको इसका दर्द समझ में आए कि वो दर्द किस दर्द से गुजर रहे आपको इस बात का एहसास है। आज आपके पास में 8 साल का 10 साल का बच्चा आपके बाजू में बैठा है लेकिन कोई अचानक से आपका बच्चा 4 घंटे के लिए ले ले तो आप मर जाए लेकिन हमारा बच्चा तो हमेशा के लिए चला गया। हमको इंसाफ चाहिए।